घूमना तुम लोग यहाँ पे बताए तुमको। रुको, अरे यार रुकने के लिए बोले। हाँ। नमस्कार, मैं पल्लवी रंजन, आपकी बुलेट रिपोर्टर। आज हम पटना के पास बिहटा में आए और यहाँ देखेंगे कि लोगों का क्या रवैया। कहाँ निकले हैं? हम तो अभी सब्जी लेने के लिए निकले हैं। सब्जी लेने के लिए निकले हैं? मतलब आप तो बुलेट पर आराम से घूम रहे, सब्जी लेने के लिए? हम बुलेट पे बैठे हुए हैं। हम नीचे उतर के हम देखे वहाँ पे। नीचे उतरा हूँ मैडम, हम कहाँ उतरे हैं? लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आपको डर नहीं लग रहा कोरोना से? ये भी तो पटना जिला में ही है और आप भी कर रहे हैं। सर आप कहाँ निकले हैं? सब्जी लाने। सब्जी लाने? मार्केट बंद है सब्जी का? मार्केट खुला है। आगे आगे नहीं खुला, हम अभी देखते खुला है। आगे चलिए दिखाते हैं आपको। सर हालांकि झूठ बोल रहे हैं, आगे मार्केट नहीं खुला है। आप इतने ज्यादा एक साथ लोगों के साथ खड़े रश लगा के, क्या कुछ तकलीफ है आपको? पहला बार की तो आप ही को देखने के लिए ज्यादा यहाँ भीड़ हो गया है। अच्छा। आपको, आप जो शूट कर रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ भीड़ हो गया है। तो सर ये गलत बात है, मैं आपको भी बोलूंगी। बात तो आपको भी बोलूंगी कि कोई भी मीडिया कर्मी या पुलिस कर्मी आती है उसके सामने, उसको देखने के लिए आप बाहर ना निकले कि लोग क्या कर रहे हैं। भाई आपके लिए आपकी बुलेट रिपोर्टर इतना काम कर रही है, आपको दिखा रही है पटना क्षेत्र छोड़ के बिहटा के क्षेत्र में आई है आपको ये दिखाने के लिए कि बिहटा का क्या रवैया है। रही बात तो भाई साहब ये बिहटा का एरिया सच में ऐसा एरिया, अगर आप लोगों को समझाने जाते हैं तो लोग आपके ऊपर ही भड़केंगे, आपको ही बोलेंगे कि हम लगाएंगे भीड़ तो आप क्या करेंगे, जो करना कर लीजिए। चलिए तो देखिए, जो लोग हमें अभी चैलेंज कर रहे थे कि उनका हम लगाएंगे भाई, और भीड़ लगाने की वजह तुम हो, बोले तो मीडिया है, तुम्हारी वजह से भीड़ लगी है और वो आएंगे। देखिए ये अगर देख रहे स्प्लेंडर वाले को, तो ये स्प्लेंडर वाले चाचा हम पे टेस्ट जमा रहे थे अभी कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से भीड़ लग रहा है। भाई अगर मेरी वजह से भीड़ लग रहा है तो आप भीड़ को शांत करो ना, भीड़ को हटवाइए कि भीड़ हटे।